नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हरीश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं जो ग्रुप डी के पोस्ट पे हैं। ये आप अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि इन्होंने कब ज्वाइनिंग किया और किस तरह से इनको काम करना पड़ता है और अभी इनका एट प्रेजेंट स्टेटस क्या है। मतलब इसमें जो है ना, ऐसा है कि जो है ग्रुप डी का जो है, ग्रुप डी की जो पोस्ट है, जो पहले का जो टाइम था ना, वो पांचवी पास, आठवीं पास, उस स्तर का जो है ये पोस्ट है। अभी बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीए ग्रेजुएट लेवल के बंदे जो है ग्रुप डी की पोस्ट पर, कोई वो थोड़ा है यार, कोई सही चीज थोड़ा है। दिस इज नॉट फेयर। जो पहले का टाइम था, पहले के जो लोग, उनकी लाइफ भी, अब यहाँ पर उनको पूरी टाइम जो है पढ़ाई में निकाला है ना, तो उनको पढ़ाई के हिसाब से, उस हिसाब से उनको पोस्ट मिलनी चाहिए। अब ग्रुप डी का मतलब क्या होता है साला? ग्रुप डी में तो वो रेड़ा खींचेंगे यहाँ पे, ये मशीनों उठानी होती, मशीनों उठानी, ये मशीन लगी हुई है ग्रुप डी की पोस्ट में, ये ग्रुप डी के बंदे आएंगे, मशीनें उठाएंगे। हमारी जो है ना, हम तो गांव में रहने वाले लोग, हमारी आज भी जो है, हम हमारी अतड़ियां खींचती है साला काम का, ये तो मारने में लगे हुए लोगों को। ग्रुप डी की पोस्ट में पढ़े लिखे बच्चों को, घर को जो है, लोगों के घरों को जो है बंजर करने में लगे हुए हैं। क्या फायदा? जब तुमने एजुकेशन ले रखी है, पढ़ाई कर रखी है, तो उस हिसाब से उस स्तर की पोस्ट को जाओ। अब मान लीजिए कि यहाँ बैठे, मतलब मेन है कि आपने जो है ना, कि कल को तरक्की होगी या प्रमोशन होगी, तरक्की प्रमोशन कहाँ होगी तुम लोगों की? सीजी ग्राउंड पर जो भर्ती आ रही है, वो कहाँ पर एडजस्ट करेंगे लोग? ऑफिस में जो सीजी ग्राउंड पर जो भर्ती होके आ रहे हैं, तुमको पता होगी लाइन लगी होती है सीजी ग्राउंड पे भी। सीजी ग्राउंड वाले कहाँ पर जाएंगे? जो बाहर से ग्रुप डी में जो है, जो पहले का टाइम था ना, पांचवी पास, आठवीं पास, वो लेबरगिरी करेगा, वो मेहनत का काम करेगा, क्योंकि उसने एजुकेशन नहीं, उसने पढ़ाई नहीं करी, उसको पता है मैंने ये काम करना है, है ना। हम आज के टाइम में, मैं ट्वेल्थ पास हूँ, मैं ग्रुप डी का काम करता हूँ, और आए दिन मेरा हर तीसरे दिन ये देव, हम जो है ना, ये दैविक शक्तियां जो बोलते हैं, वो जो है हमको करने नहीं देती यहाँ पर काम। दैविक शक्तियां जो दसवीं, बारहवीं, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, क्योंकि हमारा आए दिन पेट पकड़ा रहता है यहाँ पे। पेट पकड़ के हर दिन या तो डॉक्टर के पास जाओ, या तो फिर जो है वो किसी हकीम वैद्य को देखो, आए दिन जो है लेबरी करते, मशीनों उठाने में हमारा पेट पकड़ जाता है। आई बात समझ में? तो दिस इज नॉट फेयर, सही नहीं है। ये पांचवी पास, आठवीं पास, जो अनपढ़ जो लोग है ना, उनके लिए लेबरी काम है, ग्रुप डी की पोस्ट है उनके लिए। अब तुम बारहवीं, दसवीं, बार उनको भैया उस लेवल का कोर्स करा के उस लेवल पर भर्ती करो उनको। क्यों तुम यार मारने में लगे हो लोगों को, चाहे कोई भी सरकार हो, जो कुछ भी करवा रहे, ये दिस इज नॉट, ये सही नहीं है। ये लोग गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। हरी बात समझ में? तो आप एजुकेशन, आपने एजुकेशन किताबें पढ़ के, आंखें पोड़ के, तो उस हिसाब से अपनी एजुकेशन के हिसाब से पोस्टों पर जाओ। ये ग्रुप डी का काम चला, तुमको जो है कोई बोलेगा पानी लाओ, कोई बोलेगा मशीन उठाओ, चल भाई झाड़ू लगाओ, ये करो, ये तुम्हारे लेवल का काम नहीं है। नहीं आई बात? ग्रुप डी का तो बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। ग्रुप डी का काम आपको सारा काम कर, आपको झाड़ू लगाने के लिए बोलेगा झाड़ू लगाना पड़ेगा, आपको पानी लाने के लिए बोलेंगे पानी लाना पड़ेगा, आपको अभी ये मशीन लगी है ना, ये मशीन उतारने के लिए मशीन उतारनी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते हो, ये मशीन लगी हुई है। लाइन सब कुछ करवाते हैं भैया, रेल के अफसर है, घरों में टॉयलेट भी, घरों में मशीन, सब कुछ सारे काम करने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने एजुकेशन ले रखी है यार, एजुकेशन के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने उस हिसाब से, ये तो जो है साला, ये ग्रुप डी का क्या है? पांचवी पहले का टाइम अच्छा था, पांचवी पास, आठवीं पास लोग जाते थे। आप तो यार पढ़े लिखो, आपने किताबें पढ़ रखी है ना, तो किताबें पढ़ रखी है, तो किताबों के हिसाब से उस हिसाब से जॉब पे जाओ। ग्रुप डी का चक्कर बेकार है, तब भी नमक के साथ रोटी, सूखी रोटी खा लो, ये तो मार देंगे भाई, हम मर जाए आए दिन, ये मार देंगे, जिंदा मार देंगे हम आए दिन, पेट पकड़ के बैठ जाते हैं भाई। आज हकीम के पास, आज वहाँ डोडा से वो कराओ, आज यहाँ से टेस्ट कराओ, आज वहाँ 22 साल हो गए ग्रुप डी की नौकरी करते, मशीनों उठा उठा के अभी अतड़ियां खींच जाती है। आए बात ना, टाइम से खाना ना, टाइम से पीना, तो मारने में लगे हुए हैं। आ रही ना बात समझ भाई? ये और बाकी हमने क्या बोलना है, हम तो अब भी है सर, खुद ही कर रहे हैं। तो सर एक क्वेश्चन और, हाँ, आपने कौन से ईयर में ज्वाइनिंग की थी सर? मैंने ज्वाइन की थी 97 में। अच्छा, 97 में मैंने जो है, मैंने ज्वाइन कर रखी है, 22 साल मुझे हो गए। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड का पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, और मेहनत हमने बहुत करी तब जाके हम जिंदा हैं। अब आप बोलोगे नहीं कर सकता आदमी यहाँ पर काम। अभी तक आपका कितने बार प्रमोशन हुआ है? प्रमोशन हमको कुछ भी नहीं हुई है, होने की कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है। सीजी ग्राउंड पर भर्ती होके आ रहे हैं, सीजी ग्राउंड पे इतने आ रहे हैं, कंपनसेशन ग्राउंड पे इतने आ रहे हैं कि जो है पोस्ट ही नहीं है, मतलब पोस्ट ही नहीं, तो हम भी नौकरी, अब चलो ठीक है भाई, बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं, हमने भी अभी ये उम्मीद छोड़ दी कि हमारी प्रमोशन नहीं होनी है। यार ये है कि सिर्फ इतना है कि अपने बच्चे पढ़ रहे हैं,
अपने बच्चे एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, भाई इतना ही, और इसीलिए हम नौकरी करें। नहीं तो नौकरी तो आज हम ठोकर मार के नौकरी को छोड़ छाड़ के अपने घर में दो भैंस रखें, एक गाय रखें, एक जोड़ी बैल रखें, अपने घरों में खेती बाड़ी करें, क्या रखा है यहाँ पे? ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम ये रेड़ा खींच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मशीनें कर रहे हैं, अपने अपने जो है जिगरे को जो है ना वो करके अपने कलेजे को जो है हाथ अपने कलेजे में अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम लगे हुए। नहीं तो कौन लात मारे इस नौकरी को? हम अपने घर में जो है शुद्ध पानी, शुद्ध जो है वो हाँ शुद्ध शुद्ध खाना, शुद्ध पानी पीना, शुद्ध रहना, अपने पहाड़ के रहने वाले वहाँ लाइफ जो है अच्छी लगी। यहाँ तो मार देंगे, तो मारने में लगे हुए हैं, 22 साल हो गए मारने में लगे हुए हैं, आ रही बात समझ में? तो आपने जब ज्वाइनिंग की तो उसमें आपकी सैलरी कितनी थी? सैलरी मैंने शुरू में, मेरे को जहाँ तक आइडिया है, मैंने 1500-1600 जो है तनख्वाह ली होगी उसमें, ये जो है 1500-1600 मेरे को जहाँ तक आई थिंक जो है 1500 या 1600 मैंने शुरू में, उसमें 5th pay commission आया था, 1500-1600 रुपये मैंने तनख्वाह ले रखी वहाँ। और अभी मेरी जो है तनख्वाह बन जाती है, ग्रॉस अमाउंट बन जाता है मेरा, कम से कम मेरे को यह है कि 40,000 के समथिंग मिल जाते हैं ये। और क्या क्या सुविधाएं मिलती है? सुविधाएं हमारी सुविधाएं तो यार सब कुछ है भाई साहब, सुविधाएं रेलवे जो है, हॉस्पिटल भी है, सुविधाएं पास पीटीओ भी है, सब हमारे किस मतलब किस काम के, हमारे किस काम की सुविधाएं ना, हमको जो है अच्छी ये सुविधाएं तो सिर्फ अधिकारी लेवल की सुविधाएं हैं, ये अधिकारियों का अच्छा सब कुछ ट्रीटमेंट अच्छा, और जो है आने जाने का हर चीज, उनको स्कूल सुविधा उनके लिए हर अधिकारी लेवल, रेल सिर्फ अधिकारियों तक सीमित है, अधिकारी लेवल पे ही जो है ठीक है रेल, और कर्मचारी के लिए कुछ नहीं है यहाँ, कर्मचारी तो उसके मरना है, कर्मचारी ना मरना है, उसके बेटे को नौकरी लगनी है, सीजी ग्राउंड पर भर्ती होनी है, आई बात समझ में? ये है सिर्फ जो है रेल सिर्फ अधिकारियों के लिए, आज जो है आज ये ऑफिस रेनोवेशन कर दो, आज ये रेनोवेशन कर दो, आज वो रेस्ट हाउस रेनोवेशन कर दो, आज वहाँ पे ये कर दो, ये सिर्फ वो है बेवकूफ बना रहे लोगों को, और इस निचले स्तर के लोगों को भी और निचले स्तर के कर्मचारियों को भी बेवकूफ बना रहे, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है सिर्फ मौज अधिकारी, क्योंकि उन्होंने किताब, उनके हम खिलाफ भी नहीं है क्योंकि उन्होंने किताबें पढ़ रखी भाई, अधिकारियों ने किताबें पढ़ रखी, वो बंद कमरे में किताबें पढ़ रखी उन्होंने शुरू से किताबें पढ़ रखी, हम भी यही बोलते हैं कि आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी है तो आप उस हिसाब से जाओ, कि अधिकारी को अलग छोड़ना है यार, अधिकारी जो है पढ़ लिख के बंद कमरों में एसी कमरों में उन्होंने किताबें पढ़ी इस हिसाब से उनका, लेकिन यह है कि आज हर 6 महीने हर 2 महीने उनका कमरा रेनोवेशन होता है, हर 2-6 महीने के बाद उनका ऑफिस रेनोवेशन होता है, क्या मतलब है भाई? दिस इज नॉट फेयर, ये बोझ किसके ऊपर है? आम जनता के ऊपर है, आम स्टाफ के ऊपर है, आए दिन हम मशीनें उतारते हैं, आज यहाँ की रेनोवेशन हो रहा है, आज यमुना रेस्ट हाउस का, यार कुछ देश हित के बारे में भी सोचो, देश हित के बारे में काम करो, तुमने किताबें पढ़ी हिस्ट्री पढ़ की है तो यार कहाँ जा रहा है जरा देखो बस यार, बस ठीक है, ठीक थोड़ा सा नहीं, बस थैंक यू सर, ओके।